इससे सुंदर शेड मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप मेरे से पूछो ना कोई ऐसी लिपस्टिक जो जिंदगी भर मैं यूज कर सकती हूँ, I would say this particular one। ना तो क्या नानी ऐसी तेरा मुकड़ा देखते रहना नानी। चलो उसको थोड़ा सा सेक्सी बना देते हैं। या क्यूट टू सेक्सी आउटफिट। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for monthly favorites again. I'm late. I'm really sorry. हर बार बेचारा monthly favorites ना ऐसे backseat पे चला जाता है because मैं बाकी content बनाने में काफी busy हो जाती हूँ. But there you go. आज मैं share करने वाली हूँ मेरे January, Feb and March के favorite. मैं पहले March mid में बनाने वाली थी, फिर again delay हो गया. Now I'm like, चलो ठीक है, March भी end हो ही गया, तो मैं तीनों months के favorite दिखा देती हूँ. Honestly आज इतने सारे products नहीं है कि तीन महीने के favorites दिखा रही हूँ, तो बहुत सारे products होंगे, बहुत गिने चुने products हैं, but these are very very good and they work really well for me. इसके अलावा मैं काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स रिसेंटली दिखा भी चुकी हूँ. आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल रही हूँ. अगर आपको नहीं दिख रहा तो प्लीज़ सर्च माई चैनल ऑन यूट्यूब, बिकॉज आजकल यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा हो गया पुश नहीं करता वो वीडियोज. सो जस्ट इन केस यू आर मिसिंग माई वीडियोज, मेक श्योर यू सर्च मी ऑन यूट्यूब एंड चेक आउट माई ओल्ड वीडियोज. मैंने जस्ट अभी अपना एक्ने स्किन केयर रूटीन डाला है, मैंने बेस्ट अंडर रुपीज 399, बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट में अच्छी अच्छी वीडियोज डाली हैं, सो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. एंड या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर जनवरी फेब एंड मार्च प्रोडक्ट्स. सबसे पहली फेवरेट तो मेरी ये ड्रेस ही होने वाली है. बिफोर यू गाइस आस्क इन द कमेंट्स आपने क्या पहना है, आई एम वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. दिस इज फ्रॉम कश्माना, माय ओन ब्रांड. अगर आपने नहीं देखी, मैं इसका जो रील डाली है मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल समरी पिंकी प्रिटी, यू नो दैट गर्ली गर्ली काइंड ऑफ ड्रेस, नीलन तक आती है. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. द बेस्ट पार्ट इज यू कैन स्टाइल इट इन टू वेज. इसको अगर आप खोलोगे तो ये एक स्क्वायर नेकलाइन बन जाती है, एंड वंस यू जस्ट पुल द ड्रॉ स्ट्रिंग तो एक बहुत अच्छी वी नेकलाइन बन जाती है, विच इज ग्रेट. आपको दो ड्रेसेस का स्टाइल एक ही ड्रेस में. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू डोंट वेयर वेरी शॉर्ट ड्रेस, तो हमारे पास सेम प्रिंट में एक लॉन्ग ड्रेस भी है, तो आप वो भी शॉप कर सकते हो. डेफिनेटली चेक इट आउट. दिस इज माई फेवरेट. लाइक आई एम वेटिंग फॉर अ वेकेशन, मैं नेक्स्ट टाइम कहीं जाऊँ तो वाली ड्रेस मैं डेफिनेटली कैरी करने वाली हूँ. इट इज कम्फर्टेबल, इट इज दैट पॉलीक्रेप मटीरियल जो काफी लाइट होता है, पतला होता है, वेरी वेरी कम्फर्टेबल, नॉट ऑल सी थ्रू, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. एंड गाइस इट्स जस्ट परफेक्ट, इट्स वेरी कम्फी ऑन स्किन, इट लुक्स प्रिटी एज वेल. सो इफ यू शॉप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूंगी. वी आर टेकिंग ऑर्डर्स वी आर व्हाट्सएप राइट नाउ. वी आर अ स्मॉल बिजनेस, सो हमारी कोई वेबसाइट नहीं है, अभी हम व्हाट्सएप से ही ऑर्डर ले रहे हैं. बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कश्माना पे कैश ऑन डिलीवरी लेके आओ. देखो, फॉर अ स्मॉल बिजनेस कैश ऑन डिलीवरी इज वेरी रिस्की थिंग, बिकॉज काफी बार ऑर्डर्स कोई भी बंदा ऐसे रैंडमली ऑर्डर प्लेस कर देता है और फिर रिसीवर के टाइम मना कर देता है, एंड इट इज अ वेरी ह्यूज लॉस फॉर अस, बिकॉज जो रिटर्न चार्जेस होते हैं ना वो हमें डबल पड़ते हैं. प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, बट रेस्ट एश्योर्ड आपको आपका ऑर्डर मिलेगा. और खाली ऐसे आउटफिट्स भी मिलेंगे, उसके बाद फ्रीबीज भी मिलेंगे. आई एड लॉट ऑफ ब्यूटी सैम्पल प्रोडक्ट्स विद फ्रीबीज एंड ऑल, तो मैं काफी सारे प्रोडक्ट्स भी डालती रहती हूँ. डेफिनेटली शॉप एंड सपोर्ट माई बेबी ब्रांड. इफ यू गाइज लव मी, लव माई कॉन्टेंट, देन सपोर्ट माई ब्रांड एज वेल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट. तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, नॉट गोइंग एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, बिकॉज इस बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है हर कैटेगरी में से. बॉडी केयर में खाली एक ही प्रोडक्ट है, अदरवाइज एवरीथिंग इज प्रीटी मच द सेम जो मैं आई थिंक दिसंबर से यूज करती आ रही हूँ. बट दिस वन आई ट्राइड रिसेंटली एंड आई लव्ड इट. दिस इज द केमिस्ट एट प्ले डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश. दिस इज अ एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश. इसके अंदर एक्सफोलिएटिंग ग्रैन्यूल्स तो है ही, बहुत छोटे छोटे हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, सो सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है. बट इसके अंदर केमिकल एक्सफोलिएंट्स डले हुए, लाइक इट हैज 4% लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, वाइटामिन ई, विच इज ओवरऑल रियली गुड फॉर स्किन. अगर आपको बम्पीनेस रहती है बॉडी पे, एक्ने के इशू रहते हैं, तो आपको एक ऐसा एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश यूज करना चाहिए. एंड इट जेंटली एक्सफोलिएट्स योर स्किन, इट मेक्स योर स्किन वेरी स्मूथ. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है, लेकिन इससे मेरी स्किन ड्राई नहीं होती, काफी अच्छी नरिश्ड और शाइनी रहती है. मुझे पर्सनली काफी पसंद आ रहा है. सो इसका जो टेक्स्चर है कुछ इस तरह से दिखता है. कैन यू सी दोस टाइनी टाइनी स्मॉल ग्रैन्यूल्स इन इट? सो इसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी ग्रैन्यूल्स हैं. अगर आप इसको लूफा पे डालोगे ना तो सारे लूफा में चले जाएंगे. सो आई वुड लाइक सजेस्ट यू गाइस कि आप इसको डायरेक्टली अपनी बॉडी पे यूज कर. वेरी इफेक्टिव येट जेंटल बॉडी वॉश जो अच्छे से स्किन को क्लेंस भी कर देता है, लेकिन इतना ज्यादा कोई फोम नहीं बनता. आई थिंक अगर आपको बॉडी एक्ने और रैशेस के इशू है ना, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. इट वर्क्ड रियली वेल फॉर मी. एंड इसका जो प्राइस है इट इज अराउंड 399, बट ये डेफिनेटली आपको नायका एंड ऑल पे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा. सो यू कैन डेफिनेट चेक इट आउट. नेक्स्ट अप इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई एम लविंग रिसेंटली, बिकॉज गर्मियां एकदम पीक पे चल रही है और अब मैं धीरे धीरे जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स में स्विच करूंगी. इवन फॉर माई नाइट टाइम रूटीन में कोशिश करूंगी रात को जो क्रीम्स लगाती हूँ जेल बेस्ड लगाऊ,
बिकॉज जो क्रीम बेस लोशन एंड ऑल होते हैं ना वो सर स्किन को ग्रीसी बना देते हैं. एंड वेन आई फाउंड इट आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. दिस इज द क्ले कोर राइज एंड सेक स्लीप मास. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस ब्रांड की पैकेजिंग बहुत पसंद है. इनके सारे प्रोडक्ट्स काफी क्लासी और एकदम मिनिमल पैकेजिंग में आते हैं. दिस इज हाउ द टब लुक्स लाइक, अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर का जार. एंड ये जो है बेसिकली एक स्लीपिंग मास्क है कि आपको रात को सोने से पहले लगाना होता है. एंड इट इज अ जेल बेस्ड स्लीपिंग मास्क. दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक एंड इट इज रियली रियली नाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंग्रीडियंट्स आर वेरी ब्यूटिफुल. इट हैज इंग्रीडियंट्स लाइक जापानीज से वाइटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड. सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज जापानीज से, ये बेसिकली एक ऑथेंटिक जापानीज वाइन होती है. और कैसे बनती है, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनती है. सो राइस को बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फर्मेंटेशन में रखा जाता है. एंड इट एमिट्स सम गुड इंग्रीडियंट्स लाइक इसमें से कोजिक एसिड जो होता है वो नेचुरली एमिट होता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में. एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू ब्राइटन अप योर स्किन. ये काफी अच्छा ग्लो देता है स्किन को. द टेक्सचर इज वेरी लाइट वेट. यू कैन सी कितने अच्छे से मेल्ट हो रहा है एकदम स्किन में. बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है. द गुड पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ये बिल्कुल भी ग्रीसी और चिपचिप नहीं है. मैंने बहुत सारे जेल बेस्ड नाइट जेल्स पर्सनली यूज किए हैं. लिटरली जब पिलो पे ऐसे फेस रखते हैं ना तो वो चिपचिप होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे ग्रीसी ग्रीसी लगते हैं. ऐसा लगता है सुबह और ज्यादा उस पर डस्ट चिपक गई है. बट इसके साथ ऐसा केस नहीं है. आफ्टर फ्यू मिनट्स ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में और आपकी स्किन एकदम मैटिफाई हो जाती है. बिल्कुल भी चिपचिप और ग्रीसी फील नहीं होता. सो वेरी वेरी नाइस. अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, आई वुड से ऑल स्किन टाइप को ये सूट कर जाएगा बिकॉज ये काफी नरिशिंग भी है. ऑल्सो दिस इज वीगन एंड पैराबेन फ्री एंड ये क्रुएल्टी फ्री भी है. ये प्लांट बेस्ड इंग्रीडियंट से बनाया है. सो रियली रियली सेफ फॉर योर स्किन. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. द ओनली थिंग इज द फ्रेग्रेंस. बहुत माइल्ड और जेंटल फ्रेग्रेंस है इसमें विच इज नॉट ऑल इरिटेटिंग. मैंने अपनी एक्ने प्रोन स्किन पर भी इसको यूज करके देखा है. कोई रेडनेस और इरिटेशन नहीं हुई. इट इज वेरी सूदिंग एंड जेंटल ऑन स्किन. समर्स के लिए आपको एक अच्छी नाइट ट्रीटमेंट चाहिए बिकॉज ट्रस्ट मी जो रात का टाइम होता है ना वो स्किन का एक बहुत अच्छा रीजुविनेशन का टाइम होता है. एंड अगर आप ऐसे इंग्रीडियंट्स यूज करते हो जो स्किन को रीजुविनेट करते हैं, ब्राइटन अप करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर रिजल्ट मिलता है. सो अगर आपको डलनेस का इशू है, पिगमेंटेशन का, या फिर ओवरऑल आपकी स्किन बड़ी डल डल लग रही है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. ये ओवरऑल ब्राइटनेस पे बहुत अच्छे से वर्क करता है. ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. दिस वन इज मैजिकल मैजिकल मैजिकल. रिसेंटली मैंने कोलैबोरेट किया था लॉरियल के साथ. मैंने उनके साथ एक शॉर्ट्स कोलैबोरेशन में डाली है. इट्स मोर लाइक अ हेयर केयर रूटीन. सो उसमें मैंने ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी प्रमोट किया था. पूरी रेंज मैंने प्रमोट करी थी, इस रेंज का शैम्पू, इसका कंडीशनर एंड देन द हेयर सीरम. सो दिस कंडीशनर इज सो 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 गुड. मतलब ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतना अच्छा वर्क करता है ना, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी ले लो बिकॉज इतने स्मूथ हो जाते हैं ना इससे बाल. दिस इज द लॉरियल पैरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल नरिशिंग कंडीशनर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन सी कितना मैंने यूज कर लिया पूरा. मैंने इसको अभी तक निचोड़ दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट भी थोड़ा थोड़ा गायब हो गया बिकॉज आई लव इट. मैं इसको रेगुलरली आजकल यूज कर रही हूँ. मैंने अपने हेयर मास्क डिच कर दिए इसके चक्कर में बिकॉज ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. इट हैज अ वेरी नरिशिंग इफेक्ट ऑन हेयर. सी माई हेयर, मैंने कल ही हेयर वॉश किया था एंड दे फील स्ट्रेट. मतलब ऐसा लग रहा है स्मूथ और एकदम स्ट्रेट वाला इफेक्ट आ रहा है. बिल्कुल ऐसा लगता है मैंने कोई केराटिन स्मूथनिंग या कंडीशन वो कराई है, कोई स्मूथनिंग वाली ट्रीटमेंट कराई है. बहुत अच्छे से इससे बाल नरिश हो जाते हैं और एक टेम डाउन रहते हैं. लाइक आई लव द इफेक्ट ऑफ दिस कंडीशनर. कोई भी अननेसेसरी फ्रिजीनेस नहीं है. फर्स्ट डे तो फ्रिजीनेस रहती है जिस दिन हेयर वॉश करो, बट ये जो सेकंड और थर्ड डे वॉश हेयर होता है ना ये एकदम बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. सो आई लव इट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज द प्राइस पॉइंट. लाइक दिस वन इज जस्ट फॉर ₹249. आप सब बोलते हो कुछ अफोर्डेबल भी सजेस्ट किया करो. सो ये अंडर ₹300 आता है विच इज सुप्रीमली अफोर्डेबल. इसके ना बड़े भी साइजेस आते हैं बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो आई वुड से गो फॉर द टाइनी वन. वेरी वेरी नाइस. मतलब अगर आप एक अच्छा कंडीशनर ढूंढ रहे हो जो आपके बालों को स्मूथ बना दे, एकदम एक सॉफ्ट सॉफ्ट वाली फीलिंग आ जाए आपके बालों में, डेफिनेटली ट्राई दिस वन, यू विल लव इट. नेक्स्ट अप इज अ डर्मैट रिकमेंडेड प्रोडक्ट. और ये मुझे बहुत पहले उन्होंने रिकमेंड किया था बट रिसेंटली मैंने ज्यादा एक्टिवली इसको यूज किया एंड आई लव्ड इट. आजकल तो मैं इनफैक्ट मैंने अपने सारे फाउंडेशन डिच कर दिए और मैं यही यूज कर रही हूँ बिकॉज डेली यूज के लिए मुझे ज्यादा हैवी फाउंडेशन अब अच्छे नहीं लगते. आज मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ, खाली हल्का फुल्का कंसीलर लगाया हुआ है, नो फुल कवरेज लुक बिकॉज आजकल मुझे अच्छी नहीं लगती फुल कवरेज लुक. मैं सिर्फ तभी करती हूँ जब मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी या इवेंट में जाना होता है, अदरवाइज आई कीप इट वेरी सटल एंड बेसिक. सो दिस इज द नोरेवा एक्सफोलिएट बीबी क्रीम लाइट एंटी इम्परफेक्शन टेंटेड क्रीम. सो ये बेसिकली बीबी क्रीम है बट दिस इज डर्मैट रिकमेंडेड एंड इट्स मोर लाइक अ स्किन केयर सॉर्ट ऑफ बीबी क्रीम. सो इन्होंने मुझे लास्ट ईयर रिकमेंड करी थी जब मैंने अपनी शादी के टाइम स्किन ट्रीटमेंट कराई थी. एंड आई आस्क्ड हिम आस्क्ड हर कि मुझे प्लीज कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताओ कि मैं ये ट्रीटमेंट के बाद लगा सकूँ बिकॉज उस टाइम एक्ने मार्क्स थे और मुझे कहीं जाना था. सो शी सजेस्टेड मी कि अगर आपको एक बेसिक बीबी क्रीम यूज करनी है ना ये वाली ट्राई करो. एंड जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी है मैम, हम भी ट्राई करते हैं. सो आई थॉट चलो परचेज करके देखते हैं. ये स्लाइटली एक्सपेंसिव है. दिस इज अराउंड 2000 आई वुड से. लाइक कुछ इसका ऐसा ही प्राइस था 1800-2000 रुपीज. बट दिस इज
वेरी वेरी गुड. ज्यादा शेड्स नहीं आते, ये मैंने वही क्लिनिक से खरीदी थी. लाइक आई एम यूजिंग द शेड लाइट एंड मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ. सो दिस इज हाउ द बीबी क्रीम लुक्स लाइक. इसका बहुत एक जेंटल कवरेज आता है, नॉट वेरी हाई. सो दिस इज हाउ द शेड लाइट लुक्स लाइक और बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली स्किन में ब्लेंड हो जाती है. आप तो इसको एक तरह से मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज कर सकते हो. अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर आप काम पे जाते हो, आपको ज्यादा हाई कवरेज वाला मेकअप नहीं करना, आपको डेली बेसिस पे बहुत लाइट टेंट लगाना है, देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस. दिस इज गुड फॉर एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन या फिर जिनको भी बहुत एक्सट्रीम एक्ने रहते हैं. ओनली बैड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज अ फ्रेग्रेंस. मतलब इसमें फ्रेग्रेंस काफी हाई है. अगर आप सोच रहे हो ना कि डर्मेटिस्ट सजेस्ट करिए ये क्लिनिक बेस्ड एक मेकअप प्रोडक्ट है तो ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री होगा, ऐसा नहीं है. द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस वन इज अ फ्रेग्रेंस. इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है बट द गुड थिंग इज वो इफेक्ट नहीं करती, वो स्किन पे बिल्कुल भी कुछ रेडनेस रैशेस नहीं देती. ऐसा नहीं होता हर फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट अच्छा होता है और हर फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट बेकार होता है. अगर फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट भी अगर आपको अच्छा सूट कर रहा है देन गुड टू गो. नाउ टॉकिंग अबाउट मेकअप, आई हैव दीज मेकअप ब्रशेज जो काफी टाइम से मेरे पास रखे थे. इनफैक्ट शादी से पहले से ही मेरे पास ये रखे थे, मैंने अमेजोन से मंगवाए थे. पहले मैं बहुत सारे अमेजोन के हॉल्स बनाती थी, अमेजोन के साथ काम भी करती थी एंड आई रिमेंबर मैंने किसी एक हॉल में भी आपको दिखाए थे ये डू केयर के ब्रशेज हैं. ये मुझे रैंडमली अमेजोन पे दिख गए थे, उनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे. ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं. सेट ऑफ थ्री में आते हैं. जो थर्ड वाला ब्रश है वो ब्लश वाला एक ब्रश आता है, वो मैंने किसी को दे दिया है. आई जस्ट हैव दीज टू ब्रशेज विद मी. दूसरा इसमें ये वाला ब्रश आता है विच इज फॉर कंसीलिंग या फिर अगर आपको कलर करेक्टिंग करनी है. लुक एट दिस, कितना मतलब सॉफ्ट और कितना अच्छा वॉल्यूम वाला ब्रश है. बिल्कुल भी ऐसा लोकल चीप नहीं फील हो रहा, वेरी वेरी गुड क्वालिटी. लिटरली ऐसा लग रहा है मैंने कोई महंगा ब्रश अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. अगर आप ऐसे पैक के या फिर कोई भी एक्सपेंसिव ब्रांड के ब्रश लेने जाओगे ना, वो एक एक ब्रश ही आपको 1200 समथिंग का मिलेगा, वेयर एज ये 1700 में आपको तीन ब्रशेस का सेट मिल रहा है एंड सुप्रीम क्वालिटी. सो दिस इज द कंसीलर ब्रश एंड दिस इज द फाउंडेशन ब्रश. ये हल्का सा एंगल में आता है विच इज गुड. मुझे ऐसे वाले ब्रशेस एंगल में ही पसंद है बिकॉज इट्स ईजी टू वर्क अराउंड एंड अगर आपको कॉन्टोर एंड ऑल करनी है तो आप हल्का सा टिल्ट करके एक कॉन्टोरिंग भी इजिली क्रिएट कर सकते हो. एंड लुक एट द डेंसिटी, मतलब कितने डेंस और गुड क्वालिटी के ब्रशेज है. असली तीन ब्रशेज आर गुड टू गो फॉर योर फेस. आइस की मैं बात नहीं कर रही, आइस के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा, बट फेस के ब्रशेज के लिए तो जो तीन ब्रश का सेट है ना, इट इज इनफ फॉर यू गाइज. और ये जितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है ना, ये बहुत लंबे चलने वाले हैं. सो अगर आपका थोड़ा सा बजट है स्प्लर्ज करने का, डेफिनेटली ट्राई दिस वन. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेकअप एप्लीकेटर्स, लेट मी मेंशन दिस ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल बिकॉज ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत बेटर वर्क किया है. सो मेरे क्या है ना, सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स खराब हो गए थे. मैंने काफी वॉश भी किए थे, उनकी शेप अजीब सी हो गई थी, काफी में फंगस आ जाता है. एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं यूज करने चाहिए, उनकी एक लाइफ होती है. जब जब आपको उनके ऊपर स्पॉट्स दिखने लग जाना, इट्स बेटर यू थ्रो देम बिकॉज एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए तो बहुत ही बड़ा रिस्क है. सो मुझे अमेजोन पे दिखा पैक ऑफ टू का ये स्विस ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर. ये नायका पर भी अवेलेबल है, वहां पर एक अवेलेबल है. अगर आप एक भी लेना चाहते हो तो आप नायका से ले सकते हो, लेकिन अमेजोन पे ये पैक ऑफ टू ही आपको लेना पड़ेगा. एंड वन ब्लेंडर कॉस्ट अराउंड 95 रुपीज ऑन अमेजोन. सो मुझे कुछ 170 समथिंग रुपीज के दो पैक मिले थे और ये अपने स्टैंड के साथ भी आते हैं. सो सबके साथ अपना एक ऐसा स्टैंड आता है विच इज गुड. काफी हाइजीनिक लगता है मुझे ऐसे, बिकॉज इधर उधर ब्लेंडर रखने से अच्छा आप इसको इसके स्टैंड पे रखो. एंड यू कैन सी राइट नाउ कितना ये छोटा है, बट ये जब डैम्प हो जाता है ना, ये पूरा इतना बड़ा ब्लेंडर बन जाता है. वेरी वेरी सॉफ्ट ऑन स्किन. मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था ना, मैंने रील बनाई थी, मैं आप इंसर्ट कर दूंगी. अदरवाइज यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, मैं रील का भी लिंक डाल दूंगी. बहुत अच्छे से डबल साइज में ग्रो हो गया था, बहुत अच्छे से सॉफ्ट बाउंसी वे में वर्क करता है और आजकल तो मैं यही वाला ब्लेंडर यूज कर रही हूँ. सो स्विस ब्यूटी ब्लेंडर्स आर एक्चुअली वेरी गुड. नेक्स्ट अप इज अ स्टिक सनस्क्रीन. अगेन ये मैंने अपने रिव्यूज के लिए फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी जब मैं अलवर में गई थी शादी अटेंड करने, बिकॉज उस टाइम मुझे कोई स्टिक सनस्क्रीन दिख नहीं रही थी और पैकिंग मैंने जल्दी जल्दी में ये नई वाली रख ली थी. सो मैंने जब वहां पर फर्स्ट टाइम यूज करा, आई थॉट चलो एक रील भी फिल्म कर लेते हैं. और मैंने फर्स्ट टाइम तब हैवी मेकअप के ऊपर ये अप्लाई करके देखी थी एंड सरप्राइजिंगली वर्कड रियली वेल. इनफैक्ट अब तक मैंने जितनी सनस्क्रीन स्टिक्स यूज करी है ना, उनमें सबसे बेस्ट मुझे ये लगी बिकॉज दिस इज नॉट ऑल स्टिकी और चिपचिप. सो दीज आर बेसिकली सनस्क्रीन स्टिक. अगर आपको नहीं पता है क्या होती है, ये री एप्लीकेशन के लिए होती है बिकॉज जब आप कहीं बाहर होते हो, आप बार बार ऐसे सनस्क्रीन लिक्विड ऑयल नहीं लगा सकते. स्पेसिफिकली जो आपने मेकअप किया होता है, आप उसके ऊपर लिक्विड ऑयल लगाओगे तो बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है. बट स्टिक सनस्क्रीन जो होती है वो आप मेकअप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, कैन जस्ट स्वाइप अक्रॉस योर फेस. इसका भी जो मैंने रिव्यू किया, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. ये वैसे अपने आपको ड्यू वाली बोलते हैं, मतलब ये थोड़ी सी ड्यूनेस के लिए, बट ट्रस्ट में बिल्कुल भी ड्यूनेस नहीं देती. इससे कोई भी ग्लॉसीनेस शाइनीनेस नहीं आती. इनफैक्ट ये बहुत अच्छी मैट सनस्क्रीन स्टिक है. अब तो इसका टेक्स्ट भी थोड़ा उड़ गया बिकॉज मैं इसको रेगुलर बेसिस पे आजकल यूज कर रही हूँ. ऑनेस्टली अब जो भयंकर वाली गर्मी आ रही है ना, आई थिंक
सबके बैग में एक ऐसी सनस्क्रीन स्टिक होनी ही चाहिए, बिकॉज आपकी जो नॉर्मल सनस्क्रीन होती है वो एक या दो घंटे तक ही वर्क करती है, उसके बाद फिर वो इनफेक्टिव होती है। तो अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं धूप में आपका ज़्यादा काम है, आई वुड से आपकी रखो, आप इसको रीअप्लाई करो। कहीं बीच ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, तब तो आपको डेफिनेटली रखनी चाहिए। ये टैनिंग से थोड़ा बहुत आपको बचा भी लेती है। नेक्स्ट अप वी हैव नेल पेंट्स। सो रिसेंटली जब मैंने नायका से शॉप किया था ना, मैंने दो नेल पेंट्स ऑर्डर करी थी आई थिंक इन फेब आई गेस। और मैं जब भी नायका से कुछ ना कुछ ऑर्डर करती हूँ ना, मैं हमेशा एक नेल पेंट तो हमेशा ऐड करती हूँ, बिकॉज आई लव नेल पेंट्स, लेकिन एक स्पेसिफिक कलर में, विच इज दिस पर्टिकुलर वन। यू कैन सी मैंने अभी भी यही वाला लगाया हुआ है। मुझे ये वाले जो शेड्स है ना बहुत प्रिटी लगते हैं, मैं ज्यादातर यही वाले शेड्स लगाती हूँ। सो दिस इज समथिंग न्यू दैट आई ट्राइड। ये नायका की रेंज है, इसके ऊपर बाल चिपका हुआ है। सॉरी, दिस इज नायका का इंस्टा लाइक नेल इनामल इन द शेड रोज एडिट। सो दिस इज द शेड रोज एडिट, और अभी मैंने यही लगाया हुआ है। यू कैन सी कितना ब्यूटिफुल लग रहा है ये। इट्स अ वेरी प्रिटी पिंक रोजी एंड न्यूड काइंड ऑफ शेड, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। और नायका के नेल पेंट्स मेरे पर्सनल फेवरेट है। सो दिस इज समथिंग न्यू दैट आई ऑर्डर। मैंने किसी का रिव्यू देखा था कि जिनके वीक और ब्रिटल नेल्स होते हैं उनको ये ट्राई करना चाहिए, उस मैंने ऑर्डर किया, बिकॉज मैंने रिसेंटली नेल कराए थे, और मैंने उससे पहले भी जब मैं थाईलैंड गई थी दिसंबर में भी कराए थे। और दो महीने ऐसे कॉन्स्टेंटली नेल्स करा लो ना, तो नेल बेड पूरा आपका रुइन हो जाता है, बहुत जल्दी आपके नेल्स टूटते हैं, वीक हो जाते हैं। सो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको हमेशा लगा के रखती हूँ। मैं चाहे नेल पेंट ना भी लगाऊँ, मैं इसका एक कोट लगा के रखती हूँ। मैं ऐप में पढ़ लेती हूँ कि ये बेसिकली करता क्या है। सो ये जो नायका 7-in-1 नेल्स का है ना, ये स्ट्रेंथ करता है, हार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्मूथ करता है, हाइड्रेट करता है, न्यूट्रिशन शाइन प्रोवाइड करता है आपके नेल्स को। ओके, दैट्स लॉट ऑफ क्लेम्स टू मेक, बट ये बेसिकली इसके अंदर अच्छे इंग्रीडियंट्स होते हैं जो काफी अच्छे से आपकी नेल की केयर करते हैं। सो मोर लाइक अ नेल्स पा फॉर योर नेल्स। अगर आप बहुत ज्यादा नेल्स कराते हो या फिर आप बहुत सारी नेल पेंट्स भी लगाते हो, आई वुड से बेस पे ये लगाना ही चाहिए, बिकॉज काफी बार जब हम ब्राइट कलर्स लगाते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारे नेल्स स्टेन हो जाते हैं और फिर नेल्स की क्वालिटी खराब हो जाती है। सो ये बेसिकली आप ले सकते हो बेस कोट पे लगाने के लिए, या इसको टॉप कोट की तरह भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये ऑल इन वन सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है। सो रिसेंटली मैंने देखा कि नायका के और भी इसके वर्जन आते हैं, लाइक देयर इज वन नेल हार्डनर, रॉक हार्ड, दिस इज नेल हार्डनर। ये मैंने अपने विशलिस्ट में ऑलरेडी एड कर लिया, मैं इसको डेफिनेटली शॉप करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे कंसेप्ट काफी अच्छा लगा। मेरे जो ब्रिटल नेल्स है ना, वो थोड़े बहुत बचे हैं इसकी वजह से, अदरवाइज जो फाइल किए हुए नेल्स होते हैं ना, जो जब हम एक्सटेंशन कराने जाते हैं, वो काफी ज्यादा बफ करते हैं, बहुत ज्यादा फाइल करते हैं, तो आगे के नेल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो इजिली ऐसे अपने आप ही टियर हो जाते हैं, अपने आप ही निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर वो पेन करते हैं। सो इसकी वजह से आई थिंक थोड़े बहुत नेल्स मेरे स्ट्रॉन्ग अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट टू प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम माई करंट शॉर्ट। सो मैंने पोस्ट करी है ट्राइंग वायरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम थाईलैंड। सो मैंने थाईलैंड से काफी सारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे, और वो बहुत टाइम से ना एक बॉक्स में से रखे हुए थे कि मैं रील बनाऊंगी, शॉर्ट्स बनाऊंगी, रील बनाऊंगी, शॉर्ट्स बनाऊंगी। फाइनली मैंने फिल्म किया एंड आई अपलोडेड इट, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, यू गाइज लव दैट वीडियो। सो उसमें पार्ट वन जो मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने दो तीन प्रोडक्ट शो किए थे, और उसमें एक ये वाला प्रोडक्ट था, दिस इज वन इज बाय ला मेला कलर आई शेडो। सो बेसिकली कुछ इस तरह से आती है, एंड ये बेसिकली डबल आई शेडो है, कैन यू सी, इसमें ऑलरेडी दो आई शेडो जो है वो आती हैं। सो यू जस्ट हैव टू स्वाइप अक्रॉस योर आईज लाइक दिस। आप वो शॉर्ट्स भी दे सकते हो, उसमें मैंने एप्लीकेशन भी दिखाई थी, आपको खाली ऐसे स्वाइप करना है और दो जो ट्रांजिशन है वो पूरा बन के आता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आइडिया, आजकल तो मैं यही यूज कर रही हूँ। जो थोड़ा बहुत इंडियन लुक क्रिएट करनी होती है ना, मैं उसको ऐसे स्वाइप अक्रॉस करके ब्लेंड कर लेती हूँ, वेरी वेरी क्विक एंड मेस फ्री, बहुत अच्छा शाइनी लुक भी आती है आईज पे। ये मैंने वहाँ के 100 भात स्टोर से ली थी। थाईलैंड में आपको काफी जगह 100 भात स्टोर दिखेंगे, जहाँ पे सब कुछ 100 भात से कम का होता है। सो 100 भात इज अराउंड 250 रुपए INR, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मैंने वहां पे 100 भात में तीन प्रोडक्ट्स लिए थे। वहां पे एक डील चल रही थी कि आप तीन प्रोडक्ट कोई भी चूज कर सकते हो फॉर 100 भात। सो मुझे लिटरली यू कैन से कि 33 भात के अराउंड पड़ा है, विच इज मोर लाइक 75 or 80 रुपीज, एंड उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई पर्सनली लव इट। इस तरह मैंने दो तीन प्रोडक्ट्स और लिए थे, जिनका रिव्यू सून आने वाला है। ओके, नेक्स्ट ऑफ दैट आई परचेज फ्रॉम थाईलैंड के 7-Eleven स्टोर। वहां पे तो मतलब आप कोई भी 7-Eleven के स्टोर जाओगे ना, ये पॉन्स के पाउडर्स आपको वहां पे देखेंगे। तो नाम है पॉन्स ब्लरिंग फिलर ट्रांसलूसेंट फेशियल पाउडर। मैंने वीडियो में फिल्टर बोल दिया था, लेकिन मैंने बाद में पढ़ा अच्छे से कि ये ब्लरिंग फिलर लूज पाउडर है। सो दिस आर द पैकेजिंग लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक अ बॉडी का पाउडर, बट ऐसा नहीं है, ये फेस का पाउडर है। लव द पैकेजिंग, वेरी वेरी हाइजेनिक, मतलब जितना चाहिए हाथ पर लो, ब्रश पर लगाओ एंड जस्ट डैब इट ऑन टू योर स्किन, वेरी वेरी हाइजेनिक, बिकॉज काफी सारे जो लूज पाउडर आते हैं फिर वो बहुत ज्यादा उसमें ना ऐसे कंटामिनेशन हो जाती है, फिर एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा नहीं है। प्लस ये ट्रैवलिंग के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज करना, आपको लूज पाउडर से ही सेट करना है फेस, तो आप लिटरली आप इसको अपने बैग में डाल सकते हो, जस्ट ओपन इट लाइक अ बॉडी का पाउडर एंड जस्ट डैब इट इनटू योर हैंड्स, और थोड़ा बहुत जो भी होता है आप इसको आराम से ब्रश से लेके फिर ब्लेंड कर सकते हो। सो इसको अच्छे से ऐसे ऐसे डैब किया। हमें मेकअप क्लासेस में सिखाया था कि जब भी लूज पाउडर लगाओ ना, उसको डायरेक्टली लगाना, बिकॉज ये जो बहुत सारा लूज पाउडर है ना, वो ऐसे क्लॉगिंग कर देगा। सो यू जस्ट हैव टू
डू लाइक दिस. ओ मैंने आई शेडो के ऊपर कर दिया, ओह सॉरी. इसको बेसिकली आपको बहुत लाइट हैंड से ऐसे ऐसे करना है ताकि वो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड देन यू कैन जस्ट सेट योर अंडर आइज. सो इससे आपकी जो अंडर आइज हैं वो बहुत अच्छे से मैटिफाई हो जाती हैं, सेट भी हो जाती है. इसमें बहुत अच्छी जेंटल फ्रेग्रेंस है विच इज नॉट वेरी ओवर पावरिंग. आई पर्सनली लव इट. फाइनली कमिंग टू आर लास्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स विच आर लिपस्टिक्स. हमेशा मेरे मंथली फेवरेट्स में लिपस्टिक होती ही होती है और इस बार मैं 3 months का फेवरेट कर रही हूँ तो मुझे लगा 3 लिपस्टिक जरा फीचर कर लेते हैं. नंबर 1 लिपस्टिक जो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ शूट के लिए मैंने यहीं पर ही रखी हुई है. दिस वन इज बाय लव अर्थ. ये इनकी ग्लॉसेट ऑफ लिपस्टिक है. ये इनके पैक ऑफ मिनी में भी आती है. मेरे पास यहीं पर ही रखा है मिनी वाला पैक भी. मैंने यूजली यहाँ पर रखा हुआ बिकॉज मुझे मिनीज काफी अच्छे लगते हैं. मैंने काफी सारे तो अपने बैग्स में डाल दिए लेकिन 2-3 मैंने यहाँ पे स्टूडियो में भी रखे हैं. सो ये मिनी वाला आता है. अगर आप ये लेना चाहते हो आप ये भी ले सकते हो. इससे आप बहुत सारे शेड्स ट्राई कर सकते हो. बट अगर आप स्पेसिफिकली कोई एक शेड लेना चाहते हो लाइक मुझे ये वाला बहुत पसंद है. द शेड इज पिंक पावर. मैंने अभी यही लगाया हुआ था लेकिन अब बहुत देर हो गई शूट करते करते मैं खा गई हूँ बिकॉज ग्लॉसी लिपस्टिक्स ना इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती एज कम्पेयर टू मैट लिपस्टिक्स. बट क्या करें आजकल फैशन ही ग्लॉसी लिपस्टिक्स का है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी प्रिटी न्यूड ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड जो एवरीडे बहुत प्रिटी लगता है. अगर आप कुछ वर्क एंड ऑफिस के लिए कुछ ऐसा शेड देख रहे हो ना विच इज लाइक ग्लॉसी एंड प्रिटी डेफिनेटली ट्राई इट. ये काफी अच्छे हैं लिप्स के लिए. नरिशिंग भी रहते हैं, बिल्कुल भी चैपीनेस फील नहीं होती. नेक्स्ट इज अ मैट लिपस्टिक एंड ये मैं बोलूंगी मेरी ओल्ड फेवरेट है लेकिन मैंने दोबारा इसको यूज करना शुरू कर दिया. अभी रिसेंटली मुझे मेरे नायका के पिंक बॉक्स में मिली थी. आई वाज लाइक ओ माय गॉड हाउ मच आई मिस्ड दिस लिपस्टिक बिकॉज मैं अपने कॉलेज टाइम में लिटरली यही लगाया के जाया करती थी बिकॉज बहुत सुंदर लगती है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूडिश कलर. सो ये बेसिकली कलर बार की जो मैट लिपस्टिक्स आती है किस प्रूफ वाली. दिस वन इज अ किस प्रूफ लिप स्टेन 007 हॉट लाटे. सो उस टाइम जब मैंने अपने कॉलेज टाइम में ली थी ना आई बॉट इट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिबाश्री. उस टाइम दिबाश्री बैनर्जी काफी सारी लिपस्टिक स्वाचेस करती थी, लिपस्टिक रिव्यूज करती थी और शी रेव्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर शेड. तो मैंने तब नायका से ऑर्डर किया था. इन कॉलेज टाइम में 600-700 की लिपस्टिक लेना मतलब ऐसे बहुत बड़ी बात होती थी कि ओ माय गॉड यार कितनी महंगी चीज मैंने ले ली, पूरे महीने का बजट खराब हो गया. बट मुझे उस टाइम बड़ा क्रेज था ऐसे मेकअप का, नया नया मेरा कीड़ा शुरू हुआ था. सो मैंने उनका रिव्यू देखा एंड आई फेल्ट लाइक कि चलो ट्राई करके देखते हैं. इससे सुंदर शेड मैंने आज तक नहीं देखा. अगर आप मेरे से पूछोगे ना कोई ऐसी लिपस्टिक जो जिंदगी भर मैं यूज कर सकती हूँ, आई वुड से दिस पर्टिकुलर वन बिकॉज इट लुक्स प्रिटी. इट इज मैट बट इट इज नॉट दैट हैवी वाली मैट जो चापी कर दे लिप्स को. अगर आप कुछ एवरीडे के लिए वर्क के लिए बहुत एक सटल ऑफिस वेयर लुक के लिए कोई लिपस्टिक देख रहे हो ना बाय दिस वन. दिस इज वेरी वेरी नाइस. एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज द सुपर वायरल प्रोडक्ट बाय नायका जिसकी आजकल सब बात कर रहे हैं. मैंने भी इसकी रील्स और शॉर्ट्स डाली थी एंड यू गाइस लव इट. दिस इज द नायका की पीएच लिपस्टिक इन द शेड गिविंग मैजिक शेड नंबर 11. सो ये बेसिकली पीएच बेस्ड लिप ग्लॉस होते हैं. क्या करते हैं जो नॉर्मल लिप ग्लॉस होते हैं वो तो ऑब्वियसली आप लगाओगे वही शेड आ जाता है लेकिन ये पीएच बेस्ड लिप ग्लॉस है. ये कलर चेंज करते हैं टाइम टू टाइम. लाइक हर एक का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, हर एक का जो लिप्स का कलर वो अलग होता है. सो इसका बिल्कुल डिफरेंट कलर आता है सब पर. सो मैंने इसकी जब रील बनाई थी आपने देखा ही होगा बहुत ब्यूटीफुल सा एक न्यूडिश पिंक कलर निकल के आया था. सो ये लगती वैसे ग्रीन है बाहर से बट वंस यू अप्लाई ये कलर हल्की हल्की चेंज करते हैं. लाइक अभी आप देख रहे हो अभी लगाया हल्का हल्का एक पिंक कलर आ रहा है बट थोड़ी थोड़ी बाद क्या होगा ये कलर डेवलप होगा. लाइक आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल सी ये कलर डेवलप होगा. अभी भी आपको दिख रहा होगा कि ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एक डार्कर शेड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड आई लव इट. जब मुझे आजकल इधर तो कहीं जाना होता ना मेरा नहीं मन होता लिप बाम लिपस्टिक लगाने का, मैं यही लगा के चली जाती हूँ. इट फील्स मोर लाइक अ लिप ऑयल जो अच्छी नरिशमेंट भी देता है लिप्स को और एक बहुत ब्यूटीफुल सा कलर आता है. लाइक यू कैन सी कितना प्रिटी न्यूडिश कलर आया. आप इसको ऐसे लिप ग्लॉस भी यूज कर सकते हो लिपस्टिक के ऊपर या फिर आप इसको खाली भी यूज कर सकते हो. बहुत सुंदर लगता है एंड काफी क्वर्की एंड डिफरेंट प्रोडक्ट है एंड आई पर्सनली लव इट. तो ये थे मेरे मंथली फेवरेट्स. इन सबके लिंक्स आपको नीचे रिसेप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. डेफिनेटली चेक इट आउट. इस ड्रेस का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी विद व्हाट्सएप नंबर. अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है आप डेफिनेटली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एंड लेट मी नो योर मंथली फेवरेट्स. आपके आजकल क्या क्या फेवरेट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं और इसके अलावा अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है जिसके मुझे वीडियो बनानी चाहिए, कोई प्रोडक्ट है जिसका मुझे रिव्यू करना चाहिए. आजकल मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर काफी सारे प्रोडक्ट रिव्यूज कर रही हूँ. सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को मैं अच्छे से रिव्यू करके बताती हूँ इन 60 seconds. तो अगर आपको उसमें भी कोई रिव्यू देखना है प्लीज लेट मी नो. आई डेफिनेटली शूट अ गुड रिव्यू फॉर यू गाइज. दैट इज फॉर डेज वीडियोस. डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लेना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.